केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नगर पंचायत शाहजहांपुर के चेयरमैन वसीमुर रहमान व अधिशासी अभियंता राजीव जैन पर सभासदों ने मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरठ जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि जो कार्य बेहद मामूली रकम खर्च कर किए जा सकते हैं, उन्हें कराने के नाम पर लाखों रुपए डकारे जा रहे हैं। जिस तालाब में एक सीमित जगह में जलकुंभी है, उसे साफ करने के लिए अपने चहेते ठेकेदार को करीब 15 लाख रुपए का टेंडर छोड़ा गया है। इसके अलावा चामुंडा मंदिर में बिजली घर तक जाने वाले साफ नाले की सफाई का टेंडर 7.5 लाख रुपए में दिया गया है। ये भी आरोप है कि ये ठेके डिफॉल्टर ठेकेदार अमजद को दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को दबंगई व धड़ल्ले से चूना लगाया जा रहा है। शिकायती पत्र में ये आरोप लगाया गया है कि जब इस भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है तो चेयरमैन व अधिशासी अभियंता उन्हें धमकाते हुए भुगत लेने की धमकी देते हैं। मेरठ जिला मुख्यालय पहुंचे विभिन्न वार्डों के सभासदों ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। संजय कुमार, किस वार्ड से? वार्ड नंबर 2 से। क्या समस्या है? समस्या यही है जी, उल्टे सीधे काम करा रहे हैं नगर पंचायत में। चेयरमैन साहब से भी शिकायत करते हैं तो कोई मामला ऐसे नहीं कराते। किसी चीज़ के लिए कहा जाता, लगभग मुझे किसी फ्रीजर के लिए भी कहा था मैंने, और चीज़ के लिए भी कहा, जो टेंडर छोड़े जा रहे हैं वो गलत तरीके से छोड़े जा रहे हैं। उसमें सभासदों को कोई किसी का मामला नहीं कर रखते वो, और चुपी ही अपने टेंडरों को छोड़ लेते हैं। तो हम शाहजहांपुर नगर पंचायत जनपद मेरठ के से आए हैं और मेरा पद वार्ड 11, मेरा नाम मोहम्मद अमीर खान, मैं सभासद हूँ। और हमारे मुद्दे ये हैं, हमारी संज्ञान में दिए बगैर टेंडर छोड़े जा रहे हैं गलत तरीके से, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा है। और हम कामों के लिए बोलते हैं तो हमारे वार्डों में काम नहीं कराए जाते, लाइटें नहीं लगवाई जाती, मेंटेनेंस नहीं कराए जाते, और तानाशाही चल रही है नगर पंचायत के अंदर। ईओ साहब से कहा जाता है तो वो भी टालम टूली करते हैं, चेयरमैन साहब कराएंगे, चेयरमैन साहब से कहा जाता है वो जो ठेकेदार कराएंगे, कोई काम करने को तैयार नहीं है। डीजी ठेकेदार हैं, एक अमजद ठेकेदार है, जिसकी तानाशाही नगर पंचायत के अंदर बराबर चल रही है, जिससे काम के लिए कहा जाता है, आउटसोर्सिंग का टेंडर भी उसी के अंडर में चल रहा है और वो अवैध तरीके से चल रहा है। मेरा नाम कपिल कुमार है, वार्ड नंबर 13 से। आज शिकायत लेकर आए डीएम ऑफिस? हाँ जी, आज शिकायत लेकर आए हैं, यही शिकायत लेकर आए हैं कि जितने भी टेंडर छोड़े जा रहे हैं वो गलत तरीके से छोड़े जा रहे हैं। कोई हमें को बुलाया गया था? हमें कोई टेंडर छोड़ने के लिए बुलाया नहीं गया, कोई हमसे कोई पूछताछ करी नहीं गई, जो उन्होंने अपने आप से ही खाली टेंडर छोड़ दिए। अच्छा, बताया जा रहा है पहले से ही सफाई हुई हुई है और काम हुए हुए दोबारा टेंडर छोड़े? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही सफाई हुई थी, बरसात में ही, नाले की भी और इसकी भी, तालाब की भी। तो अब ये दोबारा से छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसे इतनी ज़रूरत है नहीं। शाहजहांपुर नगर पंचायत सभासद हम सब लोग डीएम साहब के लिए एप्लीकेशन लाए हैं। उस एप्लीकेशन का हमारा स्रोत जो है ये है कि शाहजहांपुर नगर पंचायत के अंदर नाले की सफाई को लेकर टेंडर छोड़े गए हैं, जो कि उन टेंडरों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है हमें, क्योंकि तालाब की सफाई इस टाइम मौजूदा स्थिति यह है कि तालाब की सफाई बिल्कुल साफ़ है तालाब हमारा, और उसका टेंडर गलत तरीके से छोड़ा जा रहा है, और नालों का जिसका तकरीबन इसका अप्रोक्स जो है पैसों का तकरीबन 28 लाख रुपये बैठ रहा है, तो ये भ्रष्टाचार घबलेबाजी है, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल घबलेबाजी का मामला है बिल्कुल। ये जब तालाब साफ है, नाले साफ हैं, तो तालाब का टेंडर, नाले का टेंडर क्यों छोड़ा जा रहा है? तो बिल्कुल ये भ्रष्टाचार का बिल्कुल लिप्त है इसमें, और हम मांग करते हैं ये टेंडर बिल्कुल रद्द किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।